पर आपको बता दें, शहीद प्रदीप नैन का आज अंतिम संस्कार होना है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल पैतृक गांव में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो कुलगाम मुठभेड़ में वो शहीद हुए थे और आज पैतृक गांव में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जींद के नरवाना के वो रहने वाले थे और उनके शहीद होने की खबर सुनने के बाद से ही उनके परिवार में शोक की लहर है, लेकिन पूरा गांव इस पर गर्व भी महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि पैतृक गांव में आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कुलगाम मुठभेड़ में प्रदीप शहीद हुए थे और आज पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होना है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही है जींद के नरवाना से, जहां कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए प्रदीप का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान प्रदीप शहीद हुए। एक तरफ गांव उनकी शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है, तो दूसरी ओर परिवार में भी शोक की लहर है। नम आंखों से आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज प्रदीप का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पैतृक गांव में शहीद प्रदीप नैन का आज अंतिम संस्कार होना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है नरवाना से। ये बड़ी खबर, तो कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए थे प्रदीप, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और आज शहीद प्रदीप नैन का उनके पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान प्रदीप शहीद हुए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पवार हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुठभेड़ में प्रदीप शहीद हुए और आज उनका अंतिम संस्कार होना है, क्या कुछ जानकारी? तो यहां पर सुनील से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नरवाना से। कुलगाम मुठभेड़ में प्रदीप शहीद हुए थे और आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान प्रदीप नैन शहीद हुए थे, जिसके बाद से ही उनके पूरे गांव में शोक की लहर है। एक तरफ जहां हर कोई प्रदीप की शहादत पर आज गर्व महसूस कर रहा है, तो वहीं आज नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज उनके पैतृक गांव में उनको अंतिम विदाई दी जानी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नरवाना से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है नरवाना से, लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुलगाम मुठभेड़ में प्रदीप नैन शहीद हुए थे और आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। दरअसल आपको बता दें कि जब कुलगाम मुठभेड़ में शहीद होने की खबर प्रदीप नैन के परिवार में पहुंची, तो उनके पूरे परिवार में शोक की लहर थी और अब आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पवार हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कुलगाम मुठभेड़ में प्रदीप शहीद हुए और आज उनका अंतिम संस्कार होना है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सागर, इसी जानकारी के मुताबिक बता दें कि आज पूरा गांव प्रदीप नैन के पार्थिव शरीर की पूरी राहत देख रहा है। पूरा गाँव के लोग इकट्ठा होकर जो द्वार गेट बनाया गया है वहां पर पहुंच चुके हैं। पूरे गांव को सजाया गया है, तिरंगे झंडे हर घर पर लगाए गए हैं। छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़ों तक के हाथ में तिरंगे झंडे हैं और गांव में एक तरफ पूरा मातम छाया हुआ है कि भाई हमारा जो जवान था, हमारा जो लाल था, वो हमें छोड़कर चला गया है। तो दूसरी तरफ
ये भी महसूस गर्व महसूस किया जा रहा कि हमारे जवान ने इतनी कम उम्र में अपने देश ही नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। और वहीं गांव वालों का ये भी कहना है कि जब से गांव में ये पता चला है कि हमारा जवान शहीद हो चुका है प्रदीप नैन, उसके बाद से ही पूरे गांव में दो दिन से चूल्हा नहीं जला है, किसी ने भी खाना नहीं खाया। कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो अंदर है वो अंदर से हमारा जो शरीर है वो अंदर से रो रहा है। जब तक हम अपने प्रदीप नैन जो कमांडो है जो शहीद हुए हैं उसके शरीर को नहीं देख लेते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। जी सुनील, ये भी जानना चाहेंगे गांव वालों से, परिवार वालों से आपकी बातचीत हो पाई होगी, गांव वालों का क्या कहना है, किस तरीके के वो थे, किस तरीके की उनकी उनका व्यक्तित्व था, किस तरीके से वो लोगों के साथ रहते थे। प्रदीप जी, जागरती जी, जानकारी बता दें कि उसकी जो कल उसकी माँ है जी उसको सिटी में नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी ने बताया कि जब भी प्रदीप गांव में था तो गांव के जो युवा है वो उनके घर पर इकट्ठा हो जाते थे। जो गांव में स्टेडियम बनाया गया है वहां पर इकट्ठा हो जाते थे, वो उनको स्पेशल ट्रेनिंग देता था, अपने देशभक्ति की भावना के लिए उनको जागृत करता था और उनको सिर्फ एक ही बात कहा जाता था कि अगर आपको कुछ करना है तो वो अपने देश की रक्षा के लिए आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपने फौज का है, तो आप उसके लिए मोटिवेट हो और अपनी पूरी जी जान से तैयारी करें। तो उनको जी पूरे जी जान से तैयारी के लिए यहाँ पर जो स्टेडियम है ना वहाँ तैयारी बच्चों को कराता था जी, युवाओं को। बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से आपने बताया कि जब भी प्रदीप गांव आते थे तो वो छात्रों को, जो बच्चे हैं युवाओं हैं उनको ट्रेन करते थे, तो कहीं ना कहीं प्रदीप की शहादत के बाद से एक तरफ वो युवा भी उनकी शहादत पर गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आज उनके लिए भी एक बड़ा ही ये एक दुखदायी क्षण है उनको अंतिम विदाई देना। जी जी जी, आपने सही कहा कि युवा भी आज एक तरफ इस बात को गर्व कर रहे हैं कि हमारी कम उम्र का लड़के ने आज अपने देश में नाम रोशन किया, तो वही दूसरी तरफ उनके भी एक अंदर ये ठीक है की भावना है की हमारे जो हमें मोटिवेट करता था हमारे गांव के लड़कों को वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। जी जगत, बिल्कुल। सुनील, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त तक उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है और कौन कौन आज इस अंतिम विदाई में मौजूद रहेगा। जी जगत, जानकारी तक बता दें कि अभी गांव में जो कमांडर वहाँ के हैं, जो सेना के जवान होते हैं, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है और जो जानकारी मिली है उनका कहना है कि कम आधे घंटे के लगभग आसपास उनके शरीर को गांव में लाया जाएगा। पीछे से पूरे जो कमांडो होते हैं जो काफिला होता है पीछे बरवाड़ा के रास्ते से आने लग रहा है और उनको पहुंचने में आधा घंटा से कम या ज्यादा समय लग सकता है। तो बात कहें तो एक घंटे के करीब जिस समय इसमें गांव में पहुंच जाएगा और गांव वाले की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि हर बच्चे को तिरंगा झंडा ले रहे हैं, गांव को सजाया गया है, चारों तरफ फूल फाल लगाए गए हैं और हर गांव मतलब गांव के लोग हैं जिनकी राहत देख रहे हैं। बिल्कुल सुनील, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आज अपने गांव के इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए लोग किस तरीके से उमड़ रहे हैं, क्या है लोगों के मन में भाव। जी जगते में जानकारी के मुताबिक बता दें कि पूरे गांव में गांव के लोग ही नहीं आस पड़ोस के जो भी गांव है और भी पूरे हरियाणा के लोग खापे पंचायत से यहाँ पर इकट्ठा होने लग रही है वो उसको अंतिम विदाई देने के लिए, सलामी देने के लिए। उनको सिर्फ एक ही भावना है कि कब हमारा जो प्रदीप नैन जी कमांडो शहीद हुए हैं उनका शरीर गाँव में ला जाए और हम उनको लास्ट अपने जो आंखों के सामने उसको विदाई दे सके। जी जगत जी, बिल्कुल सुनील। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अगर हम बात करें सियासी गलियारों की तो आज शासन की ओर से भी किसी दिग्गज के पहुंचने की उम्मीद है कि वहां पर आज उनके अंतिम विदाई में पहुंचेंगे। अभी जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैन जी पहुंच सकते हैं और जो स्थानीय विधायक है जसपा के रामनाथ सुरजा जी और भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी शायद यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा भी क्लियर नहीं हुआ कि और कौन कौन यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जानकारी में अभी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं और भी बड़े बड़े नेता जी आ सकते हैं। जी जगह बिल्कुल सुनील, और खास तौर पर एक तरफ जहाँ बेहद ही पीड़ादायक क्षण है क्योंकि काफी जवान वो थे और इस उम्र में उन्होंने देश के लिए शहीद होकर युवाओं के लिए भी मिसाल खड़ी करी है, लेकिन परिवार के लिए क्षण बेहद दुखदायी होता है कि अपना जवान बेटा इस स्थिति में खोना। तो परिवार में अगर किस बातचीत हो पाई हो, किस तरीके का माहौल रहा उनका, उनके माता पिता से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो।
जी जगत जी, कल हमारे परिवार से बात हुई थी, परिवार बोलने सक्षम तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर से दोनों की बात थी उनको हमारे सामने रखा। उन्होंने बताया कि जब भी प्रदीप हमारे घर में आता था तो पूरे घर में खुशी का माहौल होता था, चाहे आस पड़ोस के दिल से मिलने के लिए वो अपना एक्सपीरियंस है वहाँ कैसे सेना में काम होता है, कैसे ट्रेनिंग की जाती है, वो सभी एक्सपीरियंस अपना शेयर करते थे। और परिवार में जी वो इकलौता ही घर का वारिस था कि वो उसके बाद उसके एक सिस्टर है और पत्नी है और बूढ़े माता पिताजी हैं। वो आने के बाद सभी को अपना जो वहाँ पर काम होता था ट्रेनिंग की जाती थी, किस तरीके से फौज में अपने देश के प्रति दौड़ना होती है, किस तरीके से फौजी हैं वहाँ पर काम करते हैं, किस तरीके से सबसे बड़ी बात है ये जनरल का बता दें कि उन्होंने पिछले जब 2 महीने पहले वो घर पे आया था तो उन्होंने अपने पिताजी को परिवार को ये बताया था कि जी जो हम कई बार पाकिस्तान में भी जा चुके हैं, वहाँ एयर स्ट्राइक में भी हमने हिस्सा लिया था, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों जो आतंकवादी होते हैं उनको मारने का भी काम किया था। उन बातों को सुनकर परिवार बहुत ही खुश होता था और उन्हें वो ये बताते थे कि हमें अपने बेटे पर पूरा नाज है और गर्व है कि हमारे बेटे ने इतना छोटी उम्र में इतना नाम कमाया, अब देश ही नहीं पूरी दुनिया उनको आगे जान रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।